फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में बीते दो साल की अवधि में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी रैंकिंग स्थान को सुधार लिया है। साल 2021 में आई लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज 195 के पायदान पर मौजूद थी और अब 88वें नंबर पर पहुंच गई है। कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बढ़ाया अपना स्थान, देखते हैं अंदर की बात में। एशिया के सबसे रईस भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में लंबी छलांग लगाई है और 16 पायदान पर चढ़कर अब 88वें नंबर पर पहुंच गए हैं। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस बीते साल 2022 में इस ग्लोबल रैंकिंग लिस्ट में 104वें पायदान पर मौजूद थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16.83 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस का एकीकृत राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 में 23.2% बढ़कर रिकॉर्ड 9,76,524 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें तो एशिया के सबसे अमीर इंसान होने के साथ ही दुनिया के टॉप बिलेनियर्स लिस्ट में 11वें नंबर पे है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 94.5 अरब डॉलर है। फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही 8 और भारतीय कंपनियों को स्थान दिया गया है। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, LIC, ONGC, SBI समेत अन्य शामिल है। हालांकि इसकी रैंकिंग में बीते साल में मुकाबले 9 स्थान की गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।